भूषण और मैं आपको लेके आया हूँ उत्तम नगर विश्वास पार्क में। जहाँ हम खड़े हैं वो उत्तम नगर वेस्ट से 500-600 मीटर की दूरी पर है और द्वारका सेक्टर 3 की रेड लाइट से अंदाजन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो मैं आपको फ्लैट अभी दिखाने वाला हूँ वो एक 2 BHK फ्लैट है, एग्जैक्ट 66 स्क्वायर यार्ड, 66 गज के अंदर ये फ्लैट है। चौड़े मत्थे का फ्लैट है, मत्था अंदाजन 30 फुट का है, जिससे कि दोनों कमरे फ्रंट में आ गए हैं, दोनों कमरों को बालकनी मिल रही है, बहुत अच्छी नेचुरल लाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है और बहुत अच्छी वेंटिलेशन मिल रही है। 2 बेडरूम फ्लैट के अंदर 2 टॉयलेट बाथरूम है, 1 किचन है, ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है, दोनों से बालकनी अटैच है और एक वार्डरोब के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो मैं अब इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारा 2 BHK फ्लैट 66 स्क्वायर यार्ड। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं हमारे ड्राइंग रूम एरिया के अंदर। अगर डायमेंशंस की बात करें तो 14x10 के आसपास का डायमेंशन है हमारे ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम से दोनों बेडरूम की एंट्री है, किचन की एंट्री है और हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम की एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 5 सीटर सोफा का, 3 सीटर सोफा है और 2 पफी हैं, तो इसके प्लेसमेंट किया हुआ है। अगर हम सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सीलिंग है, झूमर लगा हुआ है, कॉफ लाइट लगी हुई है, फैंसी लाइट लगी हुई है। और फ्लोरिंग की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें हमने मार्बल फ्लोरिंग दी हुई है। कैमरामैन प्लीज़ दिखाएंगे। पूरे घर के अंदर चाहे वो बेडरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे किचन हो, उसके अंदर हमने मार्बल फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है फ्लैट। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसके अंदर कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो है। कैमरामैन प्लीज़। अंदाजन 5.5x4 का ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, शावर एरिया दिया हुआ है और आपका सीट दी हुई है। हमने वॉश बेसिन बाहर रख रखा है, अगर आप चाहते हैं तो इसको अंदर भी करवा सकते हैं। अब आप दिखाते हैं किचन का एरिया। किचन हमने काफ़ी बड़ी दी है। तो दोस्तों ये हमारा किचन एरिया है जो कि अंदाजन 9 फुट x4 फुट के आसपास है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही सुंदर स्टोन फिनिश के अंदर हमने माइका लगाई हुई है, डार्क ब्राउन और क्रीम के अंदर। और ये आपका ग्रेनाइट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो फुली मॉड्यूलर किचन है, यू शेप में किचन है आपका। ये बास्केट्स हो गए स्टोरेज के लिए, जिस तरह हमारे दूसरे फ्लैट्स में भी आपने देखे होंगे। फुली मॉड्यूलर किचन है विद इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर फैंसी लाइट लगी हुई है। तो अंदाजन 2 लेडीज आराम से खड़े होकर अनाज काम कर सकती हैं इसके अंदर। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम के। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि 15x9 का है। इसके डायमेंशंस 15x9 की हैं, आप देख सकते हैं। नेचुरल सनलाइट, दिन का टाइम है, नेचुरल सनलाइट कितनी है। तो ये अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं तो इसमें अंदाजन 6x6 का बेड रखा हुआ है। बेड रखने के बाद भी काफ़ी अंदाजन 8 फुट के आसपास की जगह अंदाजन बच जाती है। तो ये आपका वार्डरोब एरिया है, पूरी फुल लेंथ वार्डरोब दी हुई है। वार्डरोब के साथ हमने एरिया भी काफ़ी छोड़ा हुआ है जिसके अंदर आप मंदिर वगैरह सब सेट कर सकते हैं या अपना कुछ स्टोर कर सकते हैं। सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग ऑलरेडी हुई हुई है। एक दीवार पे हमने फ्रंट में थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर किया हुआ है उससे कि ब्यूटिफिकेशन के लिए। और ये हमारा बालकनी एरिया है, आइए मैं आपको बालकनी एरिया दिखाता हूँ। विंडोज पे आप देख सकते हैं लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। आइए हम बालकनी में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बालकनी एरिया है। बालकनी अंदाजन 20x22 फुट की है क्योंकि 30 फुट का मैंने आपको जिस तरह बताया था प्लॉट का एरिया 30x50 है, 30 फुट x50 फुट। तो 30 में हमको फ्रंट मिलता है जिसके अंदर से 8 फुट का टॉयलेट बाथरूम निकला हुआ है बालकनी छज्जे के अंदर। तो 22 फुट के आसपास बालकनी रुकती है, 22 फुट की पूरी बालकनी है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है रनिंग वाटर के लिए, पीछे ड्रेन भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल स्विच भी है। तो दोनों कमरों से बालकनी निकलती है, हमने पहले कमरे से दिखा दी। आइए अब आपको दूसरे बेडरूम में लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम है। आइए
डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो अंदाजन 15 फुट बाय 9 फुट की इसकी डायमेंशंस हैं। मास्टर बेडरूम क्यों है, क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथरूम है और अटैच बालकनी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्वीन साइज हमने बेड डाला हुआ है, 6x5 का बेड है इसके अंदर। पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, बहुत सुंदर ब्यूटिफिकेशन का काम किया हुआ है। बालकनी दिखाते हैं आपको, नेचुरल सनलाइट के लिए पूरी खिड़की दी हुई है, ग्रिल्स हैं सिक्योरिटी के लिए, और ये हमारा बालकनी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे वीडियो के एंड के अंदर, और अब मैं आपको इसकी फ्लैट की ब्रीफिंग करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने आपको बताया ये फ्लैट विश्वास पार्क कॉलोनी के अंदर, उत्तम नगर में विश्वास पार्क कॉलोनी के अंदर है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से 500 मीटर्स पे है, और द्वारका सेक्टर 3 की रेड लाइट जो है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट 2 BHK है, 66 स्क्वायर यार्ड में है, 2 टॉयलेट बाथरूम है, किचन है और 2 बेडरूम है। बालकनी काफ़ी बड़ी है, 30 फुट से हमको वेंटिलेशन और नेचुरल सनलाइट मिल रही है। फ्लैट का जो रेट है अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो 29 लाख रुपीस है, जिस पे हमको 80% लोन मिलता है NBFCs से। आप LIC, GIC, इंडिया बुल्स, IFL, DHFL सबसे लोन मिलता है 80% पे। आप अंदाजन 4 से 5 लाख अगर आपके पास हैं और आप 20-21 हज़ार रुपये EMI अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस फ्लैट को ईजिली देख सकते हैं। हमारे पास और भी फ्लैट्स हैं जो कि 19 लाख रुपए से शुरू हैं, जिसके अंदर से आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अंदाजन 2 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आप 15 से 16 हज़ार रुपये EMI दे सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आप नेक्स्ट डालूँगा। तो इस फ्लैट के लिए आज की ये वीडियो की ब्रीफिंग हुई ख़त्म, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी जो वीडियो को हैं उनको देखें, उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुँचाएँ जो कि फ़्लैट की नीड में हैं। हम उत्तम नगर में फ्लैट बनाते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर, और द्वारका में फ्लैट बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्किंग एरिया है जो कि अंदाजन 170 गज के आसपास है। इसके अंदर हमने 8 गाड़ियों की पार्किंग दी है, आप देख सकते हैं 170 गज की पूरी पार्किंग है, जिसके अंदर ग्राउंड लेवल पे हमारे बिजली के मीटर और पानी की मोटर भी लगी हुई है।